हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं समीर, आपका दोस्त और होस्ट। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी न्यू बिज़नेस आइडिया के बारे में बताने जाने वाला हूं, जिससे आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं, अगर आपके पास नौकरी नहीं है और आप नौकरी ढूंढ रहे हो, तो इस बिज़नेस आइडिया से शायद आप घर बैठे एक न्यू साइड बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और आप कुछ पैसे कमा सकते हो। कम से कम आपको कोई ये तो नहीं बोलेगा कि आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो और घर बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये जो बिज़नेस आइडिया है मेरी, ये एस्टेट एजेंसी बिज़नेस, रियल एस्टेट एजेंट किस तरीके से आप बने, इस बिज़नेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो और आप जो है वो रियल एस्टेट बिज़नेस और दूसरी बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में पता चले। मैं आप लोगों से जो भी बात करता हूँ वो ना आपका टाइम वेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ और ना टाइम पास कर रहा हूँ, प्रॉपर रिसर्च करके मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप ये सब देख सकते हो ताकि आपको नॉलेज मिले। आप एक वीडियो जो है वो ज़रूर मेरा हो सकता है 5 से 6 मिनट का हो, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैंने रिसर्च किया है वो 4 से 5 घंटों का रिसर्च होता है एक ऑन एन एवरेज। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताऊँगा कि ये वीडियो जो है वो रियल एस्टेट बिज़नेस के बारे में और कैसे आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो, इसके बारे में एक सीरीज़ वीडियो है जिसमें मैं 10 से 12 वीडियोस और आने वाले हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सारे 12 वीडियोस जब आप देखोगे तो आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन सकोगे। आज की डेट में ऐसे कोई स्पेशल कोर्स नहीं है जो आपको ये बता सके कि आप रियल एस्टेट एजेंट कैसे बन सकते हो, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको रियल एस्टेट बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी दे सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बिज़नेस स्टार्ट करना आइडिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि रियल एस्टेट बिज़नेस कोई फालतू चीज़ नहीं है, एक बहुत ही प्रोफेशनल बिज़नेस है जिसके अंदर आप काफ़ी पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, तो आपके पास सबसे पहले तो ये माइंड में आपके सेट और सेटल हो गया कि आप जेन्युइनली एक रियल एस्टेट बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट स्टेप ये करना होगा आपको कि आपको जो है उसका एक नाम सोचना पड़ेगा कि आपको उसका नाम क्या रखना है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप नाम एक जनरल नाम रखें और कोई धर्म से रिलेटेड नाम ना रखें, जिससे कि आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स मिल सकें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप साथ में जो है वो अपने अच्छे विजिटिंग कार्ड्स बना लें, जिससे आपको जो है वो आप अपने बिज़नेस की मार्केटिंग कर सकें, और कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन भी करवा लें जिससे कि आप बिज़नेस ले सकें। तो फ्रेंड्स, ये करने से आप अपना रियल एस्टेट बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको ऑफ़िस लेना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, ऑफ़िस लेना ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर पे बैठे भी रियल एस्टेट बिज़नेस शुरू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के वीडियो में 3 काम बताए। पहले तो आप अपना माइंड बना लीजिए कि आपको रियल एस्टेट बिज़नेस शुरू करना है। सेकेंड चीज़, आप एक अच्छा सा नाम चुन लीजिए जो आपको रखना है। और थर्ड चीज़, आप अपना विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए। विजिटिंग कार्ड अच्छा हो, ढंग का हो। ये कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। तब तक आप जो है वो ये 3 काम करके रखिए अगर आप रियल एस्टेट बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है मेरे रियल एस्टेट के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जैसे बहुत सारे लोग जो रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं और रियल एस्टेट के बिज़नेस में आना चाहते हैं, वो डिस्कशंस कर सकते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो इस रियल एस्टेट के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।